सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो आज की स्टूडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसा कि पिछले तीन वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के तीनों को क्लियर करा है, यानी कि और टेंस के बारे में भी जाना है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हर बार की तरह आप लोग फिर से अपनी कॉपी और अपनी पेन लेके जल्दी से तैयार हो जाइए ताकि मैं जो जो लिखवाऊँ आप लोग उसे पूरा अच्छे से नोट कर सकें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप लोग रिवाइज कर सकें। तो उम्मीद अब तक आप लोग बैठ ही गए होंगे और हमारे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका ये मतलब होता है कि जो वर्क है वो अभी प्रेजेंट में ही हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन आधा कंप्लीट है आधा इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, और उसका कोई एक मतलब कि एक फिक्स टाइम नहीं है कि वो कब कंप्लीट होगा। मैंने क्या बोला, बहुत बच्चों को हवा नहीं लगी होगी या फिर बहुत लोगों को बाउंस हो गया होगा और बहुत लोगों को समझ में भी आया होगा। तो मैंने ये बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये आइडिया देता है कि जो वर्क है वो अभी आधा कंप्लीट है, यानी कि 1/2 कंप्लीट है और आधा आधा, या फिर मतलब कि आप लोग ये समझ लीजिए कि ये मैथ वाला आधा मत लीजिएगा या आप लोग जनरल लाइफ वाला आधा लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं आधा कंप्लीट हो, यानी कि वर्क थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तभी ही हम लोग उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में काफ़ी डीप में और अच्छे से इसे समझेंगे। और यदि आप लोग ये चाह रहे हैं कि आपको हैज़ या हैव का यूज़ पता चले तो इसका मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए यदि आप लोगों को हैज़ या हैव का वीडियो चाहिए तो, ठीक है ना। वैसे तो इसका यूज़ तो जनरली सभी को पता होता है, तो खैर चलते हैं अब हम लोग आगे। तो ये जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मैं अब आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर लाने वाला हूँ, आप लोग इसे ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। तो ये है इसका स्ट्रक्चर जिसमें कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ये है निगेटिव का स्ट्रक्चर, ये है इंटरोगेटिव का पहले वाले का स्ट्रक्चर जो कि किससे शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा यदि आपने पीछे के तीन वीडियो देखे हैं तो। और ये किसका है, ये तब है जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ये तब है जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। यहाँ पे WH वर्ड नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे शायद गलती से इन्होंने लिख दिया है WH वर्ड, पर यहाँ पे आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड। इसका रीज़न मैं बहुत ही दिनों से काफ़ी दिनों से बताते आ रहा हूँ। तो उम्मीद अब तक आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इस जब इसे अपने कॉपी पे लिखिएगा तो WH वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड लिखना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। तो मैं आज आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी कराने वाला हूँ, देखते रहिए पूरा अंत तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। तो जैसा कि मैं आप लोग सामने एक पहला ही एग्जांपल लेता हूँ और इसमें ही मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकें। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ही हैड, सॉरी हैज रहेगा, स्टार्ट में ही गलती, ही हैज बीन, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते रहिए ताकि आप लोग अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकें, राइटिंग ही हैज बीन राइटिंग, लिखते रहिए पोयम्स रेगुलरली, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग भी अब तक लिख ही चुके होंगे, शायद मुझसे पहले भी लिख चुके होंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है कि ही हैज बीन राइटिंग पोयम्स रेगुलरली, अब इसमें जब आप अपने स्ट्रक्चर को जहाँ पे लिखे हो उससे इसके मैच कीजिएगा जो जो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए
ये क्या है, पहले हैज या हैव के बारे में जान लेते हैं। हैज जो होता है ये क्या होता है, ये होता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्प करता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और राइटिंग राइट क्या है, ये है हमारा मेन वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मैं आपको पिछले कई वीडियो समझाते आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को रिवाइज ना होने के बजाय एकदम पूरा अच्छे से लर्न हो जाए। इसीलिए तो उम्मीद आप लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मतलब तो समझते ही होंगे। तो यहाँ पे जो ही है ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, सबको पता है सब्जेक्ट है। और ये क्या है, इतना इतना है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इन सभी चीज़ों को मिलाते रहिए, रुकिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। हाँ, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक। ये है क्या है हमारा, ये है ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये जो आ जाता है, ये है मेन वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। तो आप लोग अपने स्ट्रक्चर को देखिए और इसे मिलाइए। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में बीन, बीन हमेशा ये वाला लगता है। कभी कभी लोग ये छोटी सी गलतियां कर देते हैं कि ये वाला बींग लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत हो जाता है। ये अभी मैं इसका यूज आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये वाला बींग भूल के भी मत लगाइएगा। और यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे पोएम्स रेगुलरली, ये क्या है हमारा, ये है ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है आपको ये सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आया होगा। तो कोई भी, मैं आप लोगों को बहुत ही की पॉइंट बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोई भी सेंटेंस यदि आप लोग बनाना चाहते हैं, तो पहले आप लोगों को कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो कंडीशन नंबर वन पे जो आ जाती है वो ये कि आप लोगों को जो टेंस होता है उसे अच्छे से पहचानना होता है। जैसा कि मान लीजिए आप लोग ये देखना होता है कि वर्क अभी किस स्टेट में है, क्या वर्क कंप्लीट हो गया है, क्या वर्क अभी अभी कंप्लीट हुआ है, क्या वर्क कंप्लीट हो रहा है, क्या वर्क आधा कंप्लीट है आधा इनकम्प्लीट है, क्या वर्क हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली फोकस किस पे करना है, फोकस किस पे करना है, आपको वर्क पे ही फोकस करना है, वर्क पे ही फोकस करना है कि वर्क कैसा है, हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है ना, कि आधा हो गया कि आधा नहीं हुआ। तो अगर आप लोग वर्क पे फोकस करना सीख जाएंगे तो आपको पूरा टेंस बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने पिछला एग्जांपल लिया, तो उसमें हमें पता क्या चल रहा है, हमें उसमें पता चल रहा है कि अभी वो पोयम रोज लिखता है, रेगुलरली लिखता है, वो पोयम को रेगुलर लिखता है। अब क्या पता वह कल ना लिखे, क्या पता वह कल भी लिखे और एक सालों तक लिखता रहे। तो हमें इतना तो पता है आज तक लिखते आया है, लेकिन कल लिखेगा ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि अभी कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट हो है, ठीक है ना, वो अभी कंप्लीट नहीं है, वो अभी आधा कंप्लीट है, वो अभी आज तक तो लिखा पर कल लिखेगा कि नहीं, इसकी हमें गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान सा टेंस होता है, सिर्फ लॉजिक इतना लगाना है कि आपको ये देखना है कि कंप्लीट है आधा, मतलब कि कंप्लीट होना चाहिए, आधा कंप्लीट नहीं होना चाहिए। यदि अभी भी नहीं समझ आ तो भी कोई बात नहीं, अभी मैं और ही सारे एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल्स की कोई भी कमी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक अपने अलग से एग्जांपल की ओर। तो जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सम अब आप लोग भी इसे लिखते रहिए, सम चिल्ड्रेंस। कई बार लोग पता है क्या गलती करते हैं, चिल्ड्रन के आगे यस लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे या फिर मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए चिल्ड्रन के बाद यस कभी नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है, उसके बाद क्या आप लोग यस लगाओगे। हैव नॉट बीन, लिखते जाइए मेरे साथ ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। बाथिंग, ये बाथिंग है, ठीक है ना। इसके आगे का मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, बाथिंग सिंस 3 o'clock, शायद लिखा आ जाए, सिंस 3 o'clock है ये, ठीक। तो अगर हम लोग इस एग्जांपल पे काफ़ी अच्छे से गौर करें, तो हमने क्या देखा कि सम यानी कि कुछ बच्चे, पहले इसका हिंदी तो अर्थ निकाल लें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसका अर्थ हमें अगर हिंदी में मिल जाए, और हिंदी हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, स्टार्ट से ही बोलते आ रहे हैं, तो हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसका अर्थ निकालें कि कुछ बच्चे रोज नहीं नहाते हैं, नहीं, कुछ बच्चे 3 बजे से नहीं नहा रहे हैं, ठीक है ना, 3 o'clock से कुछ बच्चे नहीं नहा रहे हैं। तो यदि आप लोग देखें तो ये किसका, ये किस तरह बिहेव कर रहा है, सब्जेक्ट। ये किस तरह बिहेव कर रहा है,
सॉरी सॉरी, यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ये क्या है? ये है मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। और ये क्या है? नॉट, यानी कि नॉट आया मतलब निगेटिव, नॉट आया मतलब निगेटिव, हैज हैव आया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव। अब बाद में बीन भी आ गया और टाइम भी आ गया। अपने स्ट्रक्चर को देखिए, बीन और टाइम किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे टेंस को पहचानते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि पहले देखिए उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। नहीं, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट को ढूंढिए और ऑब्जेक्ट को ढूंढिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को देखिए। हेल्पिंग वर्ब अगर हैज या हैव है तो यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे टिक ना लगाएं। अभी आपको ये भी खोजना है कि उसमें बीन और टाइम है कि नहीं। अगर बीन और टाइम मिल जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यदि नहीं मिलता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। यदि आपको इतना सब कुछ करने में बहुत ही ज्यादा डाउट है तो मैं आप लोग इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि आप लोग क्या देखिए, जब भी वर्क आधा या फिर आधा कंप्लीट हो, आधा इनकम्प्लीट हो, थोड़ा कंप्लीट हो, थोड़ा इनकम्प्लीट हो, थोड़ा सा कंप्लीट हो, थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो, तब क्या होगा? तब होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद है आप लोग इस छोटू सी ट्रिक से पहचान सकते हैं कि वो ट्रिक सॉरी वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अक्सर लोग इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, पर आपको ऐसी गलतियां नहीं करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।